today we are going to start the remaining part of our chapter, that is chapter number 1. The name of our chapter is Super Senses from Standard 5th Subject and Web. हाँ, जो chapter हमारा आधा रखा था, जो continue करना बाकी था, वो हम यहाँ से continue कर रहे हैं, okay? जो finish करना बाकी था हमारा chapter, वो हम अपने इस lecture में continue करेंगे, okay? तो हमने अपने in our previous lecture हमने सुपर सेंसेस के बारे में देखा था कि बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं और सुपर सेंसेस उनके जो सेंसेस होते हैं दैट आर मोर डेवलप्ड देन ह्यूमन बीइंग्स. हम ह्यूमन बीइंग से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. तो कुछ कुछ एनिमल्स या बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सुपर सेंस होती है स्मेल, वो हमसे कहीं ज्यादा 1 लाख, जैसे डॉग है, वो हमसे 1 लाख टाइम बेटर सेंस स्मेल कर सकते हैं. उनके स्मेलिंग सेंस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए डॉग्स को स्निफर डॉग्स के तरीके से यूज किया जाता है. हमें पुलिस वगैरह या फिर आर्मी फोर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं कि बॉम्ब्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए. जो लॉस्ट पीपल घूम गए वो लोग होते हैं, उन्हें सर्च करने के लिए बहुत सारे काम में डॉग्स को यूज करते हैं. फिर हमने एंट्स की सुपर सेंस जो स्मेल है उनके बारे में देखा था, पढ़ा था कि जो एंट्स है वो भी अपने फ्रेंड्स को या अपने ग्रुप मेंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, सेंस स्मेल करके. ओके, तो नाउ ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 5. हम पेज नंबर 5 ओपन कर ले और यहां से स्टार्ट करेंगे. व्हाई सो ये वन पैराग्राफ इज देयर. सो लेट्स सी, टुडे यू हैड टू गो आउट फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क. यहां पे एक लड़की है, उस नेम इज नीरे, और अदर जिसका नाम नीरे. She had to leave her 6-month-old son Luchik Pompers with her sister Chai. जो नीरु थी उसका एक बेबी था 6 month old. 6 month बेबी तो इतना छोटे से होते हैं, तो उसे वो बाहर नहीं ले जा सकती थी, अपने काम के साथ में नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसकी
daily. So she was not open. इसलिए उससे वो स्मेल खराब नहीं लगी. ओके नेक्स्ट हाउ डू यू फील व्हेन यू पास नियर बाय अ हिप हॉप गार्डन. जब आप किसी हिप हॉप गार्डन मतलब कचरे के खेत से वहां से क्रॉस करते हो, बहुत सारे कचरे पड़े होते हैं वहां पे, बहुत सारा गार्बेज पड़ा होता है, वहां से क्रॉस करते हो तो आपको कैसा फील होता है. थिंक ऑफ द पीपल हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. अब जब आप उस रोड से या उस ढेर के पास से गुजरते हो तभी आपको इतनी गंदी स्मेल आती है कि आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. उस रास्ते से भी जाने से आप मना करते हैं, नहीं वहाँ पे बहुत कचरा है, वहाँ पे बहुत स्मेल है, उस रास्ते से नहीं, हम दूसरे रोड से जाएंगे. लेकिन उन लोगों के बारे में, उन चिल्ड्रन के बारे में सोचो जो बेचारे, आपने देखा होगा कि कचरे में से बॉटल्स वगैरह लेते रहते हैं या प्लास्टिक वगैरह से लेते रहते हैं, तो उनको वो स्मेल कैसी लगती होगी, वो कैसे वहाँ पे रुक सकते होंगे, कैसे सहन करते होंगे, वो क्यों ऐसा होता है, क्यों वो उन्हें वो स्मेल कैसे नहीं आती होगी, क्या उनको वो स्मेल नहीं आती होगी, क्या सबको उनको वो स्मेल आती होगी. लेकिन जैसे ही हमने ये आंसर लिखा कि उनका माइंड जो था वो उस चीज़ के लिए रेडी है और वो जो स्मेल भी है वो डेली उनको वही स्मेल आती है, तो वो उस स्मेल से यूज हो चुकी है. ओके बर्ड्स के कहाँ पे होती है, साइड में एंड होती है, आपको पता है ना. अभी आप
साइड ऑफ दी हेड. ऐसे बर्ड्स के नाम लिखते हैं जिनके साइड में आईज होती है. व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज वे ऑफ कंपैरिजन टू द साइज ऑफ देयर हेड. उनके सिर के हिसाब से, उनके हेड के हिसाब से, उनके हेड को कवर कंपेयर करते हैं अगर आईज के हिसाब से, तो उनके आईज की साइज क्या है. तो फर्स्ट तो हमें पहला क्वेश्चन उसमें ये पूछा है कि नेम द बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड्स. जिनके आईज जो है वो साइड हेड के साइड में होती है. तो मोस्ट ऑफ बर्ड्स की आईज जो है वो साइड में होती है. ओके, लाइक क्रो, पिजन, पैरोट, ईगल. आप कर सकते हो कि आपके साइड में कोई
और दोनों आई से देखते हो तो आपको जो ज्यादा चीज दिखाई देगी, आपको जो व्यूइंग एरिया है वो बढ़ जाएगा। ओके, ये लास्ट का आंसर है। कोई छोटे छोटे एनिमल्स